नमस्कार, इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 के 543 सीटों के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। इस वीडियो में आपको पूरी राज्यवार डिटेल में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करें बिहार की, तो बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीटें, यहाँ पर NDA प्लस BJP को 15 सीटें मिल रही है, तो इंडिया को 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के अंदर कुल लोकसभा की 42 सीटें, यहाँ पर NDA को 12 सीटें मिल रही, तो इंडिया यहाँ पे 30 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें असम की, तो असम के अंदर लोकसभा की 14 सीटें, यहाँ पे NDA प्लस BJP को 8 सीटें मिल रही, तो यहाँ पे इंडिया प्लस कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर लोकसभा की कुल 25 सीटें, यहाँ पर NDA को 15 सीटें मिल रही, तो इंडिया यहाँ पे 10 सीट जीत सकता है। वही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की कुल 48 सीटें, यहाँ पर NDA को 18 सीटें मिल रही, तो इंडिया यहाँ पर 30 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें झारखंड की, तो झारखंड के अंदर कुल लोकसभा की 14 सीटें, यहाँ पर 14 सीटों के अंदर NDA 8 सीटें जीत रहा, तो इंडिया यहाँ पे 7 सीटों पे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के अंदर लोकसभा की 21 सीटें, NDA यहाँ पे 9 सीटें जीत रहा, तो इंडिया यहाँ पे 12 सीटों पे कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो के अंदर लोकसभा की 80 सीटें, NDA को 42 सीटें मिल रही, तो इंडिया यहाँ पे 38 सीटें जीत सकता है। वही बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के अंदर लोकसभा की 17 सीटें, NDA को 3 सीटें मिल रही, तो वही इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर NDA को 1 सीटें मिल रही, तो इंडिया यहाँ पे 5 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीटें, NDA को 5 सीटें मिल रही, तो इंडिया भी 5 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर कुल लोकसभा की 49 सीटें, और यहाँ पे NDA को एक भी सीट नहीं मिल रही, तो इंडिया को 49 सीटें पूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की 29 सीटें, NDA को 19 सीटें मिल रही, तो इंडिया यहाँ पे 10 सीट जीत सकता है। वही बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जहाँ पर NDA को 4 सीटें मिल रही, तो इंडिया को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर लोकसभा की 13 सीटें, NDA को 0 सीटें मिल रही, तो इंडिया गठबंधन को 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें केरल की, तो केरल के अंदर लोकसभा की 20 सीटें, NDA को 0 सीटें मिल रही, तो इंडिया को 20 सीटें पूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर लोकसभा की 5 सीटें, NDA को 3 सीटें मिल रही, तो इंडिया को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर लोकसभा की 28 सीटें, NDA को 8 सीटें मिल रही, तो इंडिया को 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की 25 सीटें, NDA को 3 सीटें मिल रही, तो इंडिया को 10 सीटें मिल रही है। वही YSR लोकल पार्टी को 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें गुजरात की, तो गुजरात के अंदर लोकसभा की 26 सीटें, NDA को 20 सीटें मिल रही, तो इंडिया को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। गोवा की बात करें, गोवा के अंदर लोकसभा की 2 सीटें, NDA को 0 सीट मिली, तो इंडिया दोनों सीटें जीत सकता है। वही बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीटें, NDA को 0 सीटें मिल रही, तो इंडिया यहाँ पे दोनों सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही आपको बता दें कि अभी शेष केंद्र शासित प्रदेश और साथ में छोटे मोटे राज्यों की बात करें, तो यहाँ पे कुल 30 सीटें बसी है। 30 सीटों के अंदर इंडिया यहाँ पे 4 से 5 सीटें जीत सकता था, 6 सीट कांग्रेस के खाते में 24-25 सीटें आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।